मनोरंजन जगत में कांस फिल्म फेस्टिवल चर्चे में है। साल 1946 में शुरू हुए फिल्मी सितारों के इस महोत्सव ने 72 साल पूरे कर लिए हैं। दुख की बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया की कोई भी फिल्म इस फेस्टिवल के किसी भी कैटेगरी में नहीं पहुंची है। पर खुशी की बात यह है कि भारत का स्टाइल और ट्रेंड का प्रचार करने के लिए बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने वाली हैं। आइए हम आपको उन फिल्मी सुंदरियों के नाम बता देते हैं। बॉलीवुड का फैशन और ब्रांड जो एक्ट्रेस प्रमोट करने वाली हैं, उनके नाम हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, कंगना रनौत, हुमा कुरैशी। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान भी कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू करने वाली हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड की ये दिग्गज अभिनेत्रियां किस दिन महासमारोह की शोभा बढ़ाने वाली हैं। दीपिका पादुकोण 16 मई के दिन कांस पहुंचने वाली हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन 19 मई के दिन पहुंचेंगी। सोनम कपूर ने 20 और 21 मई को जाना तय किया है। हुमा कुरैशी 19-20 मई के दिन कांस में होगी। गौरतलब है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 14 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलने वाला है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर से 21 फिल्मों के बीच फाइट होनी है। करीब 9 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब दुनिया के इस महा फेस्टिवल में भारत की एक भी फिल्म का नामो निशान तक नहीं है। हालांकि दो भारतीय शॉर्ट फिल्मों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जिनमें सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के 3 पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म है और दूसरी इंडियन अमेरिकन शेफ विकास खन्ना की शॉर्ट फिल्म द लास्ट कलर है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहें हिंदी रश।